अल्लाम वरमि वरक बसमिल्ला वाल रसोल्ल् नबी गाँ महमदा वह मज़द हाज़रीन आज की इस मजलिस में अज़ान के हवाले से कुछ बातें आपकी खिदमत में रखना है अज़ान हम सभी जानते हैं कि नमाज़ की इतला देने के लिए दी जाती गोया कि ये एक पुकार है कि लोगों को अब नमाज की तरफ आ जाना चाहिए मस्जिद का रुख करना चाहिए इसलिए कि नमाज का वक्त हो रहा है करीब है तो अजान के हवाले से पांच बातें आपकी खिदमत में रखता हूं सबसे पहली बात कि अजान जब हो तो हमें अजान सुनना चाहिए लोहो लीब और इस तरह की दीगर चीजों में हमें मसरूफ नहीं रहना चाहिए पहले लोग देखे कितना ख्याल करते थे आज भी गांव वगैरह में ख़वान इतना ख्याल रखती हैं हालांकि वो एक ओवर काम कर रही हैं लेकिन ये कितना ख्याल रखती है कि अजान जैसे होती है दुपट्टा जो है सर पे रख लेती दुपट्टा दुपट्टा तो खैर वैसे अगर घर में है तो ठीक है बाज़ जो है इंसानी ज़रूरत के हिसाब से दुपट्टा सर पे ना हो तो भी चलता है लेकिन इतना अहतमाम उनके यहाँ कि अजान हो रही हो तो बस पूरा खुशूख -खुशू अख्तियार कर लेती और पूरा जो है अजान के एहतराम में अपने आप को दुपट्टे को सर पर रख लेती हमें क्या करना है सुनना चाहिए अजान इसलिए कि अजान पुकार है और अजान का एक एक जुमला एक एक लफ्ज ये बुनियाद है जो दीन के बारे में हमें बताता था अल्लाह अकबर से लेकर के ला इल्लल्लाह तक इसका माना मफहम हम सभी जानते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है कहने में बाजार एक छोटा सा जुमला है लेकिन गोया कि आप इकरार कर रहे हैं कि अल्लाह से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं अल्लाह सबसे बड़ा है वो सबसे अजीम है तो सबसे पहली चीज कि हमें अजान सुनना चाहिए दूसरी बात अजान जब हम सुने तो सुन करके जवाब भी देना चाहिए जैसा कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदा मुअज्जिन मा यकुलुल मुअज्जिन कि जब तुम मुअज्जिन को अजान देते हुए सुनो तो तुम भी वैसे ही कहो जैसे मुअज्जिन कहता है तो हमें अजान के कलेमात के जवाब भी देना है सिर्फ सुनना नहीं है उसके जवाबात भी देना है अब बहुत सारी अजानें होती आपने एक बार दे दिया इंशाल्लाह काफी सुनत यही आप और अगर दूसरा भी देना चाहें दे सकते हैं लेकिन जहां आपको अजान की आवाज आ रही है आप कम अज कम उसका जवाब तो दीजिए सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए जितना भी सुनाई दे रहा है आप उसका उतना जवाब दीजिए हाँ हया और हयाल की जगह आपको ला वला लखलाव अलाबिल्ला कहना है ये दूसरी बात तीसरी बात क्या है अजान मुकम्मल हो गई तो अजान के मुकम्मल होने के बाद अब आपको सबसे पहले क्या करना है दरुद पढ़ना है दरुद पढ़ना है सही मुस्लिम वगैरह की हदीस क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अजान हो जाए तो मुझ पर दरुद भेजो तो हमें दरुद पढ़ना है मुकम्मल दरुद अल्लास महमद वा अला मुहम्मद कमा सल तलाब्राहिम मबालाब्राहिम मा हमीदुमजीद मबारक आला महम्मद वाल महमद कमाबारक तला इब्राहिम वालाब्राहिम का हमीदुमजीद ये तीसरा काम चौथा काम अजान के बाद आपने दरूद पढ़ा अब दरूद के बाद आपको वो दुआ पढ़नी है जो अजान के दुआ के नाम से मशहूर है आति यहां तक इसके आगे भी कुछ लोग पढ़ते हैं नकला वाला टुकड़ा सही, वो वाला सही नहीं ये दुआ आपने पढ़ा इस दुआ के अंदर बुनियादी तौर से क्या है आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद का सवाल करते हैं जिसका अल्लाह है ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है और मकाम महमूद क्या है शफात कुबरा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात करेंगे अपनी उम्मत के अफराद के लिए जिन्होंने शिरक नहीं किया है जिन्होंने कुफ्र का काम नहीं किया है ऐसे लोगों के लिए गुनहगारों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफायत करेंगे जब सारे अम्बिया मजरत कर लेंगे तो हम उस मकाम तक जो सबसे आला मकाम है ये शरफ़ किसी और को हासिल नहीं होगा ये दुआ पढ़ते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर कि आपको मकाम महमूद हासिल हो जाए बदले में हमें क्या मिलेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा ये दुआ पढ़ ले तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी मैं ऐसे बंदे के लिए शफाअत करूंगा तो ये चौथा काम है कि हमें दुरूद के बाद ये दुआ पढ़ना चाहिए अजान के बाद हमने दुरूद पढ़ा उसके बाद ये दुआ अब आपने दुआ पढ़ लिया अब उसके बाद एक आखिरी काम जो अजान के बाद आपको करना है वो क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अहम बात बताई देखें नमाज का आपको नमाज के लिए आना है जल्दी आना चाहिए सुन्नतों का अहतमाम करना चाहिए हम सभी जानते हैं सुन्नतों की क्या अहमियत है खास तौर से सुनत रवातिब जो सुन्नत मुअक्कदा हैं दिन भर में बारह रकातें जो हैं अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है जो इसका अहतमाम करता है अहतमाम करना चाहिए तो आप मस्जिद में आ रहे हैं तो क्या करें सबसे पहले सुन्नतों का अहतमाम करें मिसाल के तौर तो पर जोहर में आ रहे हैं चार रकात है आप चार रकात पढ़ लीजिए आप असर में आ रहे हैं असर में सुनते मौकदा नहीं है नमाज से फर्ज से पहले लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ऐसे बंदे पर रहम करे जो असर की नमाज से पहले चार रकात पढ़ता है रहमत की दुआ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मगरिब से पहले कोई जो है सुनत मौकदा नहीं है अजान हुई अब आपको क्या करना चाहिए अजान और अकामत के दरमियान की दुआ कबूल होती हम सभी तलाश करते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए कब दुआ करें अजान और अकामत के दरमियान आप दुआ करें अजान हो चुकी है अब आप दुआ कीजिए ला दुआ आप सल्लाम की हदीस है कि अजान और इकामत के दरमियान की दुआ रद्द नहीं की जाती मैं हूँ आप हमें से कोई भी हो हम देखे मस्जिद में बाज दफा हम आते हैं खड़े रहते हैं या मोबाइल चला रहे होते हैं या यहाँ वहाँ कोने में होते हैं या दो लोग चार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उससे अच्छा आप जरूरी नहीं कि आप हाथ उठा ही करके दुआ मांगो आप खड़े कोने में खड़े वहां भी आपकी जो मर्जी है आप अल्लाह से दुआ कीजिए जो जरूरत है आप अल्लाह से सवाल कर लीजिए इन आपकी ये दुआ जो आपने खलूस दिल से अल्लाह से मांगा है यकीन के साथ मांगा है अजान और इकामत के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपकी ये दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगी तो ये एक काम जो हम मिस कर देते हैं बाज दफ़ा हमें ये एक काम करना चाहिए तो अजान के हवाले से ये पांच बातें कि जिन पांच बातों में से कोई ना कोई एक बात दो बात तीन बात हम बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं अनजाने में नहीं करते हैं या हम जो है कोताही के शिकार हो जाते हैं हमें इन पांचों चीजों का अजान के हवाले से अहतमाम करना चाहिए सबसे पहली बात अजान सुने नंबर दो अजान के कलिमात का जवाब दें नंबर तीन अजान के बाद दरूद पढ़ें नंबर चार उसके बाद जो दुआ है अल्लाह मरबा वह दुआ पढ़े और नंबर पाँच अजान के बाद ख़ास तौर से आपको अगर कोई दुआ करनी है आप अल्लाह से दुआ कर लीजिए इसलिए कि अजान और इकामत के दरमियान की दुआ अल्लाह ऐसे हीताबनत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हुसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाक